मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार गर्मी की मूंग की फसल को खरीदने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी ने किसानों के हित में लिया है। मध्य प्रदेश में 4,77,000 हेक्टेयर में मूंग की बोनी 25 जिलों में की गई गर्मी की, और लगभग 6,56,000 मेट्रिक टन उत्पादन होने की संभावना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय कृषि मंत्री केंद्रीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, भारत सरकार ने उसका समर्थन मूल्य 7,196 रुपए घोषित किया गया, लेकिन बाजार में रेट बहुत कम हो रहा था। अगर ये समर्थन मूल्य पे माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा नहीं करते तो जो 7,196 रुपए की जगह वो 5,000 के अंदर आ जाता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं किसानों की ओर से पुनः धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने घोषणा की, और जैसे ही घोषणा की तो 500 रुपए रेट बढ़ गया। कल 5,000 के 6,000 के अंदर था, वो 6,000 हुआ, आज 6,500 से ऊपर हो गया, औसत 6,000 हुआ जो कल 5,500 था। और किसानों को इससे अतिरिक्त लाभ होगा और करोड़ रुपए का अतिरिक्त पैसा मिलेगा। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। और आज से माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 8 जून से हम पंजीयन शुरू करेंगे और 15 जून से खरीदी शुरू करेंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी आज पंजीयन का शुभारंभ भी कराएंगे, और हमारे इस कार्यक्रम में 10 लाख किसान जुड़े हुए हैं 25 जिलों के, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हमारे किसानों को वो संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपका, आपने ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उसके लिए एक बार पुनः आपका आभार। सर राम भरोस जी जी भाई साहब, जय बलराम। राम भरोस जी, ठीक है भाई साहब, आपने भी मूंग लगाई है क्या? जी लगाई है भाई साहब। कितने एकड़ में? 8 हेक्टेयर में। कितनी हुई है अभी? निकल रही भाई साहब, एक शिखा 10 लगाई है मैंने, वो 8 क्विंटल से ऊपर ही निकलेगी, अभी निकल रहा है, आज तुलाई होगी शाम तक। या कब से कर रहे हैं मूंग की खेती आप? मैं करीबन 8 वर्ष से कर रहा हूँ, वो मोटर की सिंचाई थी तो 4-5 एकड़ में करते थे उस। अच्छा, इस बार हम हो गए, इस बार पूरे खेत में किए भाई साहब। नहर के पानी छुड़वाना? हाँ, नहर के पानी के पानी छुड़वाने से, नहर के पानी कर, इसके लिए भाई साहब पहले मैं एक बार धन्यवाद दे दूं आपको कि वास्तव में आपने इतना अच्छा प्रयास किया। और हमको पहले मंत्री जी को समझाना पड़ता था, हमारे दोनों किसान के पुत्र है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कमल पटेल जी तो हमारे बिल्कुल छोटे भाई के समान है, जो बोलते हैं जैसा बोलते हैं समय पर सुनते हैं, और आप भी सुनते हैं, इसके लिए बहुत बहुत जिले के किसान की तरफ से आपको बधाई देता हूँ। कि जो किसान परेशान थे, हालत ख़राब थी, क्योंकि गेहूँ और चने में जो मिलता वो मिलता एक 60 दिन की फसल में, इतना अच्छा पैसा और आपने समर्थन मूल्य पर खरीदी की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राम भरोस जी, और सभी किसानों को होशंगाबाद जिले के मैं बधाई दे रहा हूँ। इस फैसले से सब प्रसन्न है ना? जी प्रसन्न है भाई साहब। थोड़ी सी एक और समस्या है भाई साहब, 65,000 किसानों का पंजीयन होना है, बारिश करीब में है तो खरीदी में थोड़ा सा कठिनाई आएगी, इसके लिए इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि अभी गेहूं इसमें मेरा निवेदन है कि आप सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि बारिश आएगी, ऐसा नहीं 15 जून तक तो बारिश आने लगती है, 30 दिन तक, 90 दिन तक खरीदी जारी रहेगी, ये 2-4-5 दिन के लिए नहीं है, 90 दिन तक खरीदी जारी रहेगी। और इसलिए ऐसी परिस्थिति के घनघोर बारिश हो रही है, मूंग भीग रहा है, वैसे में नहीं आना है, व्यवस्था भी हम ऐसी करने की कोशिश करेंगे कि अंदर खरीदें ताकि किसान को दिक्कत ना हो, और किसान भी ये सावधानी रखनी पड़ेगी कि भीगते भागते ना आए, कम से कम वो खराब ना हो फसल, मूंग खराब ना हो, इसकी चिंता करे। और इसलिए कोई हड़बड़ भी नहीं है, हम लोगों के पास समय है, हम आराम से खरीदी कर सकते हैं, इसलिए इन भाई को मैंने यही समस्या आपको बताई थी भाई साहब। हाँ। कि हमारा स्टाफ पूरा जैसा अभी लगा, ईमानदारी से वैसा लगा रहे, सबको यथावत आपने पहले व्यवस्था अच्छी दी, आपके नेतृत्व में अच्छा काम हो, उसके लिए पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम भरोस जी। हमारे किसान बहनों और भाइयों, और दुगनी आय करने के तरीके हैं, एक उत्पादन बढ़ाओ, दूसरा उत्पादन की लागत घटाओ, तीसरा उत्पादन के ठीक दाम दिलवाओ,
उचित मूल्य मिल जाए, और चौथा अगर प्राकृतिक आपदा हो तो नुकसान की भरपाई हो जाए। हम निरंतर कोशिश ये कर रहे हैं, हमारी सरकार, हमारे कृषि मंत्री, हमारे कृषि विभाग, हमारे बाकी सारे साथी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, कि हम चारों प्रकार से अगर कोई दिक्कत आए तो किसान की के साथ पूरी ताकत से खड़े रहें। पहली चीज है उत्पादन बढ़े, लगातार नई टेक्नोलॉजी आए, सिंचाई का पानी मिल जाए, क्योंकि सिंचाई का पानी अगर आए तो अपने आप आए डबल हो जाती है, उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। उसने मध्य प्रदेश में जहां कभी सिंचाई की क्षमता सरकारी साधनों से, नहर इत्यादि से केवल 7.5 लाख हेक्टर थी, हमने बढ़ा के उसको कर दी है लगभग 42 लाख हेक्टर और अब 65 लाख हेक्टर तक ले जाना है। तो एक उत्पादन बढ़े उसके लिए हर संभव प्रयास। और अब आप देख रहे हैं 2002-03 तक किसान कितनी फसल ले पाता था, ज्यादातर किसान एक फसल लेते थे, ज्यादा से ज्यादा हो गया तो किसी ने दो ले ली। ये तीन फसल का चमत्कार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शुरू हुआ। हम लोगों ने तय किया कि बांधों में पानी तो छोड़ो, किसान के पास ट्यूबवेल और बाकी सब चीजें, तो बिजली का विस्तार भी किया, उसके माध्यम से पानी दो, तो हमारे किसान 2 या 3 फसलें लेने लगे। तो उसके कारण उत्पादन बढ़ा है, फसल का भी उत्पादन बढ़ा, और फिर 3 फसल लेंगे तो जाहिर है कि उत्पादन और तीसरी फसल का बढ़ जाएगा। उत्पादन की लागत घटे इसलिए अनेकों 0% ब्याज पर कर्जा क्या है, उत्पादन की लागत घटाने के लिए नहीं, ब्याज दे दे के ही मर जाए। और इसलिए लागत घटाने के अनेकों प्रयास किए, उसके विस्तार में आज मैं नहीं जा रहा। और किसान को उचित दाम मिले, और उन कठिन परिस्थितियों में जब किसान सोचते थे, राम भरोस जी तो एक बार कह रहे थे कि पता नहीं खरीदी हो कि नहीं हो करोना में, कोरोना में, लेकिन हमने जिद करके खरीदी की। पिछले साल भी 1,29,00,000 मीट्रिक टन सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, और इस साल भी महाविकट संकट में महामारी का जब रौद्र रूप चारों तरफ कहर बरसा रहा था, हमने किसान की खरीदी रुकने नहीं दी, और लगभग पिछले साल जितनी ही फिर समर्थन मूल्य पर खरीदी कर ली। इतने ही नहीं, हम लोगों ने तय किया, कृषि मंत्री भी मेरे बैठे, चना, मसूर, सरसों, इनकी बाद में खरीदी होती थी, और बाद में होती थी तो कई बार किसान बेच चुका होता था, हमने पहले खरीदी शुरू की, 15 मार्च से शुरू करने का फैसला लिया था। उसके कारण दोनों लाभ मिलते, एक तो कि सरकार खरीद भी लेती, कई बार रेट भी बढ़ जाते हैं, सरकार खरीदेगी तो चना अपन को चाहिए तो फिर रेट बढ़ जाते हैं, तो बढ़े हुए रेट का ये अलग लाभ खरीदी के कारण होता है। इसलिए चना हमारे पास 1,70,000 मीट्रिक टन ही आया, अभी भी किसी का रह गया और रखा तो चिंता मत करना भैया, अभी भी खरीद ले गया, चना, मसूर, सरसों, बाजरा सब खरीदा। और अब जब मूंग की फसल आई, आप जानते हो इस संकट का समय कोरोना का भी है, अब बरसात, आंधी, तूफान, ऐसे में बहुत हिम्मत का काम है खरीदी करना। कई लोगों ने कोशिश की मत करो, कैसे होगा, नहीं हो सकता, बरसात में खरीदेंगे कैसे, लेकिन जब हम लोगों ने देखा, आकलन किया, हम लोग बैठे तो पता चला मूंग के दाम गिर रहे हैं और घटते घटते 6,000 के नीचे आ गए, तब लगा के अब तो किसी भी कीमत पे किसान का मूंग खरीद नहीं है, अगर नहीं खरीदेंगे तो ये बहुत कम कीमत हो जाएगी, किसान को घाटा होगा। और इसलिए हम लोगों ने फैसला किया, त्वरित फैसला, चाहे आंधी तूफान बारिश कुछ भी हो, हिम्मत का काम है लेकिन करेंगे, इसलिए फैसला किया कि मूंग खरीदी जाएगी। अब मूंग खरीदने का फैसला हुआ तो कृषि मंत्री जी मुझे बता रहे थे कि 5-100 रुपये क्विंटल तो बढ़ ही गए, अभी तो 1,000 का अंतर है पहले दिन। हम खरीदेंगे सर, हम खरीदेंगे मूंग, आप चिंता ना करें, क्योंकि सरकार के हित ही किसान का हित है, सरकार का मूल उद्देश्य किसान को लाभकारी मूल्य दिलाना, इसके बिना खेती चल नहीं सकती, टिक नहीं सकती,
इस दिन कठिन परिस्थितियों में मूंग खरीदने का फैसला किया है। आप सबसे मेरी यही अपील है कि आपका सहयोग इसमें भरपूर चाहिए। 90 दिन तक खरीदी जारी रह सकती है अगर जरूरत पड़ी तो, और इसलिए कोई हड़बड़ नहीं है कि पहले ही दिन दौड़ पड़ो। कोरोना भी है, वायरस है, घट रहा है, लेकिन वायरस तो है। तो रजिस्ट्रेशन करा के जब आपको बुलाया जाए तब आप पधारिए। बरसात में आप जानते हैं खुले में खरीदी नहीं हो सकती, क्योंकि पानी आ गया तो खराब ही हो जाएगी, और इसलिए खरीदी करनी पड़ेगी शेड में, बंद स्थान पे, और उन्हीं केंद्रों पे जहां हम सुरक्षित मूंग को भंडारण कर सके। तो गर्मी की खरीदी में और बरसात की खरीदी में अंतर रहेगा। तो मेरा सब किसान भाइयों से निवेदन है कि इसमें आप सबका सहयोग चाहिए, वो जरूरी है, और इसलिए आवश्यक मात्रा में खरीदी केंद्र खोले जाएंगे। विधिवत रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है, आप धैर्य रखिए, शांति से खरीदी की जाएगी। एक नहीं अनेक उपाय किए जा रहे हैं, आज उतने विस्तार से मैं चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि किसान है तो देश है, और इसलिए किसान हित में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।